इस समय हम मौजूद हैं ट्रेड फेयर के सीआरपीएफ का जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें खास और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती क्या है और कैसे यहाँ पर जो पुलिस के हथियार या कहें बंदूकें या फिर कहें कारतूस वगैरह कैसे दिखाए जा रहे हैं। सर जानना चाहेंगे क्योंकि पब्लिक को समझाना है क्या है ये, कैसे आप सीआरपीएफ को प्रमोट कर रहे हैं। सर सीआरपीएफ में हम भर्ती होते हैं, इसकी ब्रांचेज होती है, फिर जिस तरीके से एक पेड़ होता है उसकी शाखाएँ हैं, इसमें से कोबरा है, एसडीजी है, पीडीजी है और एनडीआरएफ है, ये सारी सीआरपी की। आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन का फोर्स का काम स्पेशल है क्राउड मॉब को डिस्टर्ब करना। नॉन लीथल वेपन होते हैं हमारे पास में, लीथल नहीं होती है। कुछ इनके बारे में बताइए, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको सर एंटी राइट बोलते हैं, इससे प्लास्टिक पायलट हम फायर करते हैं। ये अभी साबुत है, आगे जैसे ही जाता है चार बंदों के अंदर टुकड़े हो के और बंदों को लगते हैं चार। ये MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर, ये नया वेपन आया हमारे पास। इसके अंदर इस सारे राउंड हम फायर कर सकते हैं एक बार में, 6 राउंड। इसके अंदर भी टीयर स्मोक, चिल्ली ग्रेनेड, सारा चीज होती है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ और चीजें हैं जो समझाने का प्रयास करते हैं, सर से जानते हैं। सर क्या है ये, क्या है, कैसे थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? ये कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ये है, एक जगह से दूसरी जगह आप बात करने के लिए। इसका बोला जाता है LHP 265D। LHP 265 में मैन पैक रोल करता है, रेडियो कम्युनिकेशन है, सेम एस ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे इसको सजाया जाता है। इसके पीछे की तरफ इसको है रेडियो को टांगा जाता है। कितना वजन होगा जो एक इसका है? वजन इसका 8 kg, इसी से 8 kg। और ये क्या क्या चीजें हैं? ये सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन। जब आपका कम्युनिकेशन पूरा बंद हो जाता है, अगर मान लीजिए आपके नेटवर्क रिसेंट अभी J&K में हुआ था, इसकी सारे फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ इन्होंने कम्युनिकेशन सब कुछ बंद था, उस समय इसको सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकता है। इसका नाम है पर्सनल ट्रैकर। आप जिस जगह पर जा रहे हो ऑफिस ड्यूटी के दौरान आप जा रहे हो, उसी को जो आपको ट्रैक करने के लिए ये है पर्सनल ट्रैकर। जहाँ दुश्मन नजदीक से नजदीक हो उसको आसानी से फायर कर सकते हैं। और ये क्या है? ये इसका एसेसरीज है जो कि इसके ऊपर माउंट करके टारगेट को आराम से लेजर के सहायता से हीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और जानते हैं कि आखिर इतनी चीजें SPG के जरिए दिखाई जा रही हैं। सर ये क्या थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे काम करती है, क्या है? नहीं सर, AK-47 है सर, AK-47 इसमें 30 राउंड आती है सर, 600 से 1000 प्रति मिनट फायर कर सकते हैं। 300 मीटर, हाँ 300 मीटर रेंज है सर, 30 राउंड आती है सर, कैरे करने में आसान। ये सर इसके आते हैं थोड़ा, ये हमारी भाषा में कहें तो तोप बोलते हैं हम लोग, आप भाषा में क्या बोलेंगे? ये AK-1 मोटर है सर। अच्छा सर, ये सारी चीजें, ये 84 mm CGRL फार्ग गुस्तार रॉकेट लॉन्चर है सर। रॉकेट लॉन्चर, हाँ सर। कितनी रेंज होती है इसकी? सर ये राउंड के हिसाब से रेंज होती है सर, किसी को 1000 मीटर होती है सर, 2100 मीटर। एक बाहर एक प्रदर्शनी टाइप की और है, आपको वो भी दिखाते हैं और जानते हैं लोगों से कैसा ये अलग, पहले लोगों से जान लेते हैं कैसा अनुभव लग रहा है सर ये CRPF और के बारे में, कैसा मतलब आपको अनुभव लगा, कैसा कुछ समझ में? पहले दूर से आप तक सुनते आए हैं लेकिन आप चीज़ देख रहे हैं, कैसा महसूस? बहुत क्लोजली देखा मैंने इनको और अभी तक तो टीवी में ही देखता आ रहा हूँ कि प्रोडक्शन देते हैं, VIP फोर्सेज हैं, लेकिन अब बहुत पास से देखा है आज तो लग रहा है कि हाँ यार दम है, क्योंकि अगला आपकी फिजिक देखी है और मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहे हैं देखने में भी, सो इट इज़ नॉट ईजी टू बी SPG और जो भी है। पहली बार ऐसा है जहाँ पर आपको फोर्स के साथ पिक खींचने के लिए अलाउ किया गया, आइए जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर लोग अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं और इसी के लिए बनाया गया है ये एक कहें स्टॉल, यहाँ पर लोग आएँ और पिक क्लिक करें और शायद सोशल मीडिया पर अपने जो वॉरियर हैं उनको सलाम करें। आपको कैसा लगा इनके साथ पिक? अच्छा लगा, अच्छा लगा। सर आप कुछ बताना चाहेंगे कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं आपके साथ पिक करा रहे हैं? सर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने भाइयों में खड़ा हूँ और अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हूँ, हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, कोई वो नहीं। जैसे बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए लोग खड़े रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक डमी के तौर पर, एक डेमो के तौर पर दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पर सुरक्षा की जाती है। आपसे जानते हैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवकांत कुमार है। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पर ट्रेड फेयर में, आप इस बार एक स्टॉल के तौर पर, आपको यहाँ पे बताया गया लोग अपने आपके साथ फीलिंग शेयर कर रहे हैं अपनी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जैसे जो लोग नहीं जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट को या जो भी हो वो आ करके इसके साथ
जो भी सेल्फी ले रहे हैं वगैरह जान रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके साथ खींचाने से मेरे को अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है, या जो इन ये जो हथियार हैं इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हथियार जो ये जो भी हथियार है जो हमें लड़ाई के मैदान में जो मैं जी हम लोग जिसे यूज करते हैं उसी हथियार के बारे में अपने देशवासियों को दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हमें पूछते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये वेपन है, इसको एक डमी बनाया गया है जिससे आप भी आए ट्रेड फेयर में तो आप पिक क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर। सर आपसे जानना चाहूँगा, सर आप बताना चाहेंगे मतलब कैसे यहाँ पर लोगों में कितना क्रेज दिख रहा है आपको? आपका नाम सर? मेरा नाम हेड कॉन्स्टेबल अरुण कुमार, हमने दोस्तों कोबरा झारखंड से हूँ। जो मैंने पहले आपको हथियार के बारे में पूछा था, यह CGRL वगैरह है, उन्होंने अपने ऑफिस में हैंडल करता हूँ, मतलब लेके जाता हूँ उसको, तो देखने के बाद आपको पता चला कितना इसको कितना वेट है। हमने हर ऑप्स में ऐसे वाला हैवी हथियार के साथ ऑप्स वगैरह करता हूँ, जो बाहर दुनिया के इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हमने ये जी कोबरा की तरफ से ऐसे एक स्टोर लगा है कि बाहर दुनिया को भी हमारे बारे में कुछ पता चले, जो देश का जवान कैसे है, ऑप्स वगैरह करता है, उसके बारे में पता करने के लिए हम भी बहुत मदद। धन्यवाद सर। तो देखा आपने कैसे लोग यहाँ पर अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी ट्रेड फेयर में आ रहे हैं तो CRPF के जो कैंप लगा हुआ है, या आप कहें कि एक स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर जो अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए लोग आ रहे हैं, आप भी यहाँ आएँ और देखें कैसे जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है और कैसे उनके अंदर एक जज्बा होता है देश के लिए।